आम जनता परेशान है। चुनाव के बाद तेजी से बढ़ रहे गैस और पेट्रोल के दाम से दिन प्रतिदिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और दिल्ली के कई इलाकों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी शिरकत की। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आज देश की पूरी जनता महंगाई से त्रस्त है। मोदी जी पहले बड़े बड़े वादे करते थे कांग्रेस के राज में बड़ी महंगाई है, लेकिन जिस दिन से मोदी जी ने सत्ता संभाली है, चाहे वो पेट्रोल के दुगने हो गए हैं, रसोई सिलेंडर के रेट दुगने हो गए हैं। कल नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब बेचने में लगे हुए हैं, उसी का विरोध करने के लिए हम बताने के लिए आए हैं कि विपक्ष मरा नहीं है, विपक्ष जिंदा है और तुम्हारी हर गलत नीति का हम विरोध करेंगे। जो देश हित में नहीं होगी उसका विरोध हम सड़क से लेकर संसद तक करेंगे। राहुल जी ने संसद में विरोध किया है, हम सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे। देश के हित में जो होगा उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।